हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सीरियल्स की और वेजिटेबल्स की। कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ईटेबल्स आइटम्स हैं जिनका हमें हिंदी में तो नाम पता है पर इंग्लिश में नाम पता नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि सूजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाजरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तिल जो होते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमें किसी को नहीं पता। बहुत कम लोगों को पता होता थोड़ी बहुत। ऐसे अब मैं ये जो वीडियो है इसमें बताऊंगा आपको कि इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि ताकि आप इसी वीडियो में सब कुछ सीख जाएं। आप एरो रूट को बोलते हैं आरा रूट, बाड़ले को बोलते हैं हम जौ, ऐसे ही बीटन राइस को बोलते हैं हम चिवड़ा, और बीफ जो होता है उसको बोलते हैं गाय का मांस। जूस, जूस को इंग्लिश में बोलते हैं हम ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब होता है जूस, तो आप अच्छे से समझ लें इसको। ऐसे कास्टर सीड जो होती है उसको बोलते हैं हम रेवड़ी, फ्लोर को बोलते हैं हम आटा, मिलेट, मिलेट को बोलते हैं बाजरा, मैश को बोलते हैं हम दलिया, और जो किडनी बीन्स होती हैं उनको हिंदी में बोलते हैं मूंग, मूंग। ऐसे मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, पोर्क, पोर्क मतलब सुअर का मांस। ऐसे सैसमम, सैसमम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम तिल, तिल के जो लड्डू बनते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं सैसमम। ऐसे हम बात करें कि सेमोलिना, अब सेमोलिना ये क्या नाम हुआ, इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो होती सूजी, सूजी का हम हलवा तो खाते हैं लेकिन सूजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता नहीं होता। और भी खील जो बोलते हैं हम जिसको, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पफ्ड राइस, मतलब मुरमुरे, पफ्ड राइस। तो यही सारी चीजें थी। अब जो वीडियो आएगा इसमें आप, अब जो लास्ट वर्ड है वो साइलेंट हो जाएगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके इसी वीडियो में कि आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सबसे पहला है एरो, बार्ले, बीटर राइस, बीफ, ब्रोथ, कास्टर्ड सीड, फ्लोर, मैश, मिलेट, किडनी बीन्स, मस्टर्ड, पाउड राइस, सैसामम, पोर्क। तो यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको ट्राई किया कि आप ताकि इसी वीडियो में चीजें सीख सके। आई होप आपको कुछ वर्ड याद हो गए हो, अगर नहीं हुए तो आप इस वीडियो को 2-3 बार और सब देख सकते हैं ताकि आपको सारे जितने भी ईटेबल्स हैं और सीरियल्स हैं वो अच्छे से याद हो जाएं। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट थोड़ा वो इनोवेटिव लगा होगा, याद कराने का थोड़ा प्रोडक्टिव लगा होगा कंटेंट। तो आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।